हाय हेलो नमस्कार आदाब सलाम मेरे दोस्तों। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो मेरे पीछे बैठे हैं इन्हें नहीं जानते हैं। ये एक मुसाफिर हैं, मैं चाय के होटल पर चाय पी रहा था, ये वहाँ पर मुझे मिल गए। ये थोड़े से परेशान हैं। और ये कहाँ से आए भाईजान? नजीबाबाद से आए हुए हैं। और इनके पास, बेचारों के पास फ़िलहाल रहने की कोई जगह नहीं है और सोने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। ये मेरे साथ चाय के होटल आए थे, हम दोनों ने मिलकर चाय पी एक साथ, और अब आप देख रहे हैं मैं इन्हें अपने ऑटो में बिठा कर ले जा रहा हूँ अपने घर। और इंशाअल्लाह इनको जो है मैं अल्लाह की राह में कपड़े भी दूंगा। और भाई जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो ये मत समझना कि मैं ये दिखावा कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के अंदर भी एक जज्बा पैदा हो जाए कि आप लोगों की मदद करें। जिस तरह से ये मुसाफिर साहब आए हैं, ऐसे लोग जहाँ पर भी मिलें ज़रूरतमंद उनकी मदद करें, ये सिर्फ मेरा मकसद ये है और अल्लाह की रज़ा मेरा मकसद है। और कैमरे पर हर चीज़ डालने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा इसे दिखाना चाहता है, बल्कि कैमरे पर डालने का एक मकसद ये भी होता है कि हमारी की हुई नेकी लोगों तक पहुँचे और लोग उसके बारे में जानें। तो भाईजान आपको मेरे साथ जाके सही लग रहा है ना? चाय भी आपने कैसी लगी चाय आपको सद्दाम भाई की? अच्छा चलिए फिर आपको लेके चलते हैं घर, कपड़े देंगे। भाई मैं अपने घर से इन भाई सब के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। मेरी जो भी हैसियत है ये मेरे ही कपड़े हैं जिन्हें कभी मैं पहनता था, अपने भाई के लिए लेकर आया हूँ। ऐसा लगा ये मेरा चैनल सिर्फ मेरे अपने लिए नहीं है, इसलिए इसको खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि ये चैनल तरक्की कर जाए और मैं लोगों की मदद कर सकूँ। मेरा दिल बहुत करता है लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन मेरी जेब भी खाली है, अभी शुरुआत है मेरी, लेकिन मैं जानता हूँ एक ना एक दिन सक्सेस तो मुझे होना ही है। तो मेरे दोस्तों फाइनली मैंने भाई साहब के लिए जो कर सकता था कर दिया, बाकी अब ये मेरे लिए दुआ करेंगे तो मैं समझता हूँ हाँ इनकी दुआ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए मेरे चैनल को तो फिर आप मुझे ज़्यादा दीजिए। तो भाई साहब भी अब लेट हो रहे हैं और ये जाएंगे अपना और जगह देखेंगे जाकर बेचारों का। और हल्द्वानी शहर के अंदर ये जिसको भी मिले वो इनकी हेल्प ज़रूर करे, मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों से। और दोस्तों ऐसे इंसान की मदद करें, इनके पैर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है बेचारे, ठीक है हक बनता है इनका, जायज़ हक बनता है, हम लोग इनको दें इनका हक बनता है। तो फिर भाई जान फिर इजाज़त दें।